एक आदमी सर्कस में गया, वहाँ उसने देखा कि हाथियों को पिंजरे में नहीं रखा गया है और उनके पैरों में एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई है। वह आदमी हाथियों को बहुत देर देखता रहा और सोचता रहा कि हाथी तो इतने पावरफुल होते हैं तो वो रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं और अपने बचने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और रस्सी से बंधे हुए खड़े हैं। सोचता रहा काफ़ी देर तक, फिर उसने हाथियों के ट्रेनर से पूछा कि हाथी वहाँ रस्सी से बंधे हुए हैं, उन्होंने क्या कभी भागने की कोशिश नहीं की? ट्रेनर ने जवाब दिया कि जब हाथी बहुत छोटे छोटे से थे तो हमें उनको बांधने के लिए एक रस्सी का उपयोग करते थे जो उनके साइज की एक उस समय होती थी। तो जैसे जैसे हाथी बड़े होते गए उनके दिमाग में बैठ गया कि वो रस्सी ही उन्हें सेफ रख सकती है, तो इसलिए उन्होंने कभी रस्सी से मुक्त होने की नहीं सोची। यानी कि उनके मन में एक विश्वास बैठ गया कि वे रस्सी ही उन्हें सेफ रख सकती है, तो इसलिए वो रस्सी से मुक्त होने का उन्होंने कभी नहीं सोचा और अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि आप सफल हो सकते हैं कि आपका विश्वास कितना हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको वापस पकड़ने की कितनी कोशिश करती है, इसलिए हमेशा विश्वास रखें आप जो हासिल करना चाहते हैं वो संभव है।